हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे नए रिश्तों की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बर्गर्स की रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ हाँ, आप सोच रहे होंगे बर्गर्स और वो भी हेल्दी। जी हाँ, बिल्कुल हेल्दी हैं। और यहाँ मैं मैदा का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ मैं सूजी के बंस बनाऊँगी। बस कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इंस्टेंट बंस बनाने, मतलब हमें इंस्टेंट सूजी के बंस बनाने हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नहीं तो फिर वो ठंडे होके बहुत हार्ड बंस बनेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आइए कैसे बनाना है देखते हैं। यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है, ये मोटी वाली नॉर्मल सूजी है जैसे घर में हम यूज़ करते हैं, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी, और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, और आधा कप दही ऐड करूँगी। जितनी सूजी है उतना ही दही है, इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, दही सूजी में ही फूलेगी, उसी से ही हमारे बंस बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ जो मैंने शुगर का यूज़ किया है, शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुगर जो है हमारे बैटर में मॉइस्चर को होल्ड रखेगी और हमारे बंस को ड्राई होने नहीं देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एक, कि इसको हमें ज़रूर ऐड करना है बैटर में। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। इसके लिए टिक्की तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है, और इसमें थोड़ी सी मैंने राई ऐड की है। राई हल्की सी भुन जाए तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। मेरे पास ये ड्राई करी लीव्स हैं, मैं अक्सर सुखा के रख लेती हूँ। आपके पास फ्रेश लीव हों तो वो तो और भी अच्छा है, तो वो ऐड करेंगे। हल्का सा भुन जाए तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब मैं इसमें उबली हुई मटर ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सा अमचूर पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे, कहीं मसाला जले ना इसीलिए, और अच्छे से मैश कर लेंगे। मटर को भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे, और यहाँ अब हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें टिक्की बनानी है तो ज़्यादा मोटे मोटे आलू अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने थोड़ा बैटर में भी डाला है, और आगे हम इसमें हम ग्रीन चटनी भी लगाएंगे, तो ओवर पावर ना हो नमक बिल्कुल भी, तो इसीलिए बैलेंस रखेंगे नमक का। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हमारी देखिए फिलिंग एकदम रेडी है। और यहाँ हम देखिए सूजी एकदम फूल गई है, थोड़ा बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। तो अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी, पानी ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी, इसी में ही हमें इसको घोलना है। बैटर को लगातार चलाते रहें, इसको हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। देखिए एकदम क्रीमी सा एकदम स्मूथ बैटर बन चुका है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब मैं इसमें आधी चम्मच इनो डालूँगी, एकदम प्लफी बनेगा इससे। और अब मैं यहाँ पे दो बोल ले लूँगी, इनको हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, वरना तो ये ओवर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बंस बनेंगे जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, आधी कटोरी मैंने इसमें खाली रखी है। अब ये फूलेंगे तो फिर ऊपर तक आएंगे, वो बहुत मोटे मोटे बनेंगे तो बंस वो अच्छे ही नहीं लगेंगे। देखिए मैंने कितनी कटोरी खाली रखी है, इतनी ही आपको भी खाली रखनी है कटोरी। और हल्का हल्का टैप कर दें, कोई एयर होगी तो वो भी निकल जाएगी और एक बैलेंस भी हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे इडली स्टैंड वाला जो स्टीमर होता है वो लेंगे,
दोनों बोल्स को इसमें रख के हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए स्टीम करूंगी इनको। देखिए 15 मिनट बाद अब मैं इसमें स्टिक से देख लूंगी कि कच्चे तो नहीं है। देखिए डंडी में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है बिल्कुल हमारे बंस एकदम रेडी हैं। इनको अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी, अभी गरम गरम नहीं निकालेंगे, 10 से 15 मिनट बाद ये ठंडे हो जाएंगे तो अब तब हम इनको निकालेंगे। अब हम यहाँ एक पैन लेंगे, हमें टिक्की फ्राई करनी है। एक चम्मच ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल में ही रेसिपी नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें कुछ भी नहीं करना है। ब्रश से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे पैन को और अब हम बहुत हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। जितने हमारे बंस हैं उसी के साइज़ की हमें टिक्कियाँ बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। देखिए यहाँ गोल गोल घुमा के हम एक टिक्की की शेप देंगे उसको। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी और बहुत कम ऑयल में बन जाती है, मार्केट जैसी बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें हमें डीप फ्राई करके बनाना है। आप बच्चों को भी टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होके खाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने बच्चों को कुछ हेल्दी दिया, बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया। कुछ भी अनहेल्दी इसमें नहीं है, घर का सब बना हुआ है। टिक्की को हम हल्का हल्का सेक लेंगे, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड से सिक गई हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और हमारे यहाँ बंस भी ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं और कितने इतने ही मोटे चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे बंस अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए कितने स्पॉन्जी और कितने परफेक्ट बने हैं, जालीदार एकदम। बस हमें ऐसे ही परफेक्ट बंस चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। अब इनको हम बीच में से कट कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्टली कट हो गए हैं दोनों साइड से। ऐसे ही हम दूसरे वाला बंस भी कट कर लेंगे। दीजिए हमारे बर्गर बंस एकदम रेडी हैं और अब हम इस पे ग्रीन चटनी लगाएंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ ऐड करना चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट हम चीज़ का यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा रही हूँ और एक साइड हम केचप लगाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये बर्गर्स, आप बनाइएगा ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब हम इसमें टिक्कियाँ रख देंगे और अब हम इसमें थोड़ी सी वेजीज ऐड करेंगे, टमाटर, खीरा, प्याज। बहुत ही हेल्दी बर्गर है, अभी तक आप देख रहे होंगे हमने कुछ भी अनहेल्दी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सब कुछ हेल्दी है। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ आलू की टिक्की ना बना के आप राजमे की टिक्की या छोले की टिक्की भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारे बर्गर्स एकदम रेडी हैं, कितने हेल्दी और कितने टेस्टी। देखिए एकदम परफेक्टली लेयर्ड है, आलू आ गए, इसमें केचप है, हरी चटनी है, हमारी वेजीज हैं और बिल्कुल हेल्दी है। ना कोई मैदा, ना कोई आटा, ना कोई ईस्ट, कुछ भी नहीं। घर पर बनाइए, बच्चों को भी दीजिए, बच्चे भी खुश और आप भी खुश कि हेल्दी रेसिपी हमने बच्चों को दी है। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पर अब हम इसमें थोड़ा इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। इसी को पूरे पैन में हम ब्रश से ग्रीस कर लेंगे पूरे पैन को। और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे काले वाले तिल ऐड कर रही हूँ।
हल्का हल्का भून लेंगे। और अब हम इसमें अपने बर्गर्स को फ्राई कर लेंगे, बहुत हल्का हल्का बस फ्राई हो जाए, बहुत अच्छे लगते हैं। तिल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्गर्स पे, तो और इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है फ्राई होके। दोनों साइड से पलट के हल्का हल्का सेक लेंगे। एकदम रेडी है, देखिए हमारे बर्गर्स, हेल्दी बर्गर्स एकदम रेडी है। आप इन बर्गर्स को आप कभी भी खा सकते हैं, बिना सोचे, बिना मन में डरे कि आज हमने इतना अनहेल्दी खा लिया, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हेल्दी है, और कभी भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। बस कुछ टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो ये बर्गर्स ठंडे होने के बाद भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे। मिलती हूँ आपको आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।